नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको इंडियन नेवी की एमआर की रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा द इंडियन नेवी, और इसके बाद आपको बताया गया कि अनमैरिड मेल कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर मेरिट रिक्रूट, यानी कि एमआर अक्टूबर 2021 बैच। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं। तो जो कैंडिडेट होगा वो अनमैरिड होगा और मेल होना चाहिए। इसके बाद आपको टोटल वैकेंसी बताई गई है, तो टोटल 350 जो है वैकेंसी निकली हुई है। और दोस्तों, इसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा और जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए लगभग 1750 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग हिसाब से लग सकती है। अब इसके बाद आगे चलकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो आपको 10वीं पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके बाद आगे चलकर जॉब्स के बारे में बताया गया है, तो आपको सेफ स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट की यहाँ पर जॉब मिल सकती है। इसके बाद आपकी एज के बारे में बताया गया है, तो आपका जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2001 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में होना चाहिए। और इसके बाद आपके पे एंड अलाउंस दिया हुआ है, यानी कि आपकी सैलरी जो होगी वो लेवल 3 की होगी, यानी कि आपका जो पे लेवल होगा वो लेवल 3 का होगा। नीचे चलकर आप सैलरी देख सकते हैं। और इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, आपको इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है, तो आपका लगभग 50 लाख का जो इंश्योरेंस कवर होगा। और इसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसमें आपको बताया गया, कोविड-19 के चलते लगभग 1750 जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिटर्न एग्जाम या फिर PFT के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आगे चलकर आपको रिटर्न एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है, तो दोस्तों आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 2 सेक्शन होंगे, एक में साइंस और मैथ और दूसरे में जनरल नॉलेज। और ये जो एग्जाम है ये 10th के लेवल पर होगा, और जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट का होगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जिस दिन रिटर्न एग्जाम होगा, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपका PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी उसी दिन होगा। अगर PFT की बात करते हैं तो ये इसका क्लियर करना मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य है। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, जो कि 7 मिनट में 20 उठक बैठक और 10 जो है आपको पुशअप्स मारने होंगे। और इसके बाद जो पॉइंट 12 है इसमें आपको बताया गया, जिन कैंडिडेट्स का PFT क्लियर हो जाएगा उनमें से लगभग 450 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और उन्हें INS चिल्का के लिए भेजा जाएगा, जहां पर उनका जो है मेडिकल होगा। अब इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी दी गई है, तो आपका जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो वेट है वो हाइट के हिसाब से मापा जाएगा, और आपकी चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो है वो एक्सपेंशन होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो मेंटली है और फिजिकली फिट होना चाहिए। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 14 में विजुअल स्टैंडर्ड्स दिए गए, यानी कि आपके आंखों के बारे में जानकारी। और इसके बाद आगे चलकर आपको टैटू के बारे में बताएगा, आपका टैटू जो है वो इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स, यानी कि आपकी कोहनी और रिस्ट यानी कि कलाई के बीच में हो सकता है। और इसके बाद आगे चलकर आपका ट्रेनिंग और इनिशियल एंजेजमेंट दिया हुआ है, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो लगभग 12 हफ्तों की होगी। और इसके बाद आगे चलकर देखिए, इसके बाद डिस्चार्ज एंड अनस्टेबल के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो पॉइंट 18 है इसमें आपका इनिशियल एंजेजमेंट बताया गया है, तो आपकी जो नौकरी होगी वो लगभग 15 साल की होगी। और दोस्तों ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन होंगे, आप डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन होकर अपलोड होंगे, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ओरिजिनल अपलोड करने हैं, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आपने पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर हाउ टू अप्लाई बताया गया, यानी कि अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि आपके जो फॉर्म है वो 19 जुलाई से शुरू होंगे और 23 जुलाई को खत्म हो जाएंगे, यानी कि लगभग 5 दिन जो है फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे, और इस दौरान आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और इस फॉर्म को फिल करना है। और दोस्तों इसके बाद जो पी पॉइंट है इसमें आपको बताया गया है कि आप डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना वैलिड मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और इसके बाद लॉगिन करके अपना जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो जी पॉइंट है इसमें फोटोग्राफ्स के बारे में बताया गया, आपका जो फोटोग्राफ होगा वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो अगर आप PFT या फिर मेडिकल के लिए जाते हैं या फिर रिटर्न एग्जाम के लिए जाते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। और इसी तरह से आप कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। आगे चलकर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट ले जानी होगी, जो कि लगभग 72 घंटे की होगी कोविड-19 के चलते, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा जब मेडिकल एग्जाम होगा तो आपको RT-PCR लेबोरेटरी रिपोर्ट लेके जानी होगी। और इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 23 जुलाई 2021। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी भर्ती जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।